नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में चर्चा करने जा रहे हैं यहां पे एक बार फिर से कृषि फसलों के वायदा बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले कैसे सीड से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त कैसा सीड का नवंबर वायदा 6530 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6634 पर कारोबार कर रहा है। 1% की करेक्शन आज कैसा सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा सीड का जो वायदा बाजार है, वो ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 6500 के ऊपर अभी भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कैसे सीड की कीमतों में हमने एक अच्छी खासी क्लोजिंग आते हुए देखी थी, फिर वहां से एक ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आ रही है। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे MC पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कैसा सीड का जो वायदा बाजार है वो ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो हल्की सी जो करेक्शन बनी है, क्या ये तेजी में बदल सकती है? माफ करिएगा, आपकी आवाज जो है ये थोड़ी सी गूंज रही है, एक बार। रविंद्र जी, कैसा सीड की कीमतों में हमने जो तेजी आती हुई देखी है, आपको क्या लगता है, क्या कैसा सीड में जो करेक्शन है आज हल्की सी, ये और तेजी की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में डिमांड जो है वो कैप्ट है और प्राइसेस जो है उसी तरीके से सपोर्टिव ही हैं, लेकिन आज हमने प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। यहाँ से अगेन कैस्टर में चांसेस हैं कि एक हल्का सा डिप और थोड़ा सा डाउन साइड में मूव कर सकता है। 6450 के आसपास का सपोर्ट है, वहां से बाइंग अगेन इनिशिएट करके चल सकते हैं, लेकिन अभी फॉर द शॉर्ट टर्म अगर देखें तो सेलिंग के ही रुझान इसमें बनते हुए दिख रहे हैं और यहाँ से फर्दर सेल करके ही चलने की राय रहेगी जी। तो बिनौला खल में आपका 2600 का टारगेट आज अचीव होता हुआ नजर आ गया है, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से बिनौला खल में एकदम से खरीदारी निकली है, तो क्या बिनौला खल में इस कारोबारी सप्ताह 2700 या 2800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, कोकोड में हमने पहले भी बोला था कि प्राइसेस जो है यहाँ से रिबाउंड के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं और वही हमने आज और पिछले 2-3 दिनों में आते हुए देखी है कि लोअर लेवल बाइंग इसमें विटनेस हुई है और अभी 2650 के आसपास कमोडिटी ट्रेड कर रही है। यहाँ से डेली ब्रेकआउट एक देखने को मिल सकता है, 2650 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 2770 का रहेगा पोजिशनल बेसिस पे, और वहां से चांसेस हैं कि जो मोर एक्सटेंड कर सकती है वो 2900 के लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। यहीं से रविंद्र जी, नजर डालें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की ओर, तो हम देख रहे हैं कि धनिया 8200 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जीरा भी एक बार फिर से 15000 के ऊपर निकला है और जो हल्दी है टर्मेरिक भी ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या दिवाली तक या आने वाले कुछ दिनों तक ये तेजी जारी रहेगी या फिर उसके बाद भी ये तेजी और देखने को मिल पाएगी? देखिए, टर्मरिक में तो सेलिंग के चांसेस बनते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि इसमें प्रोडक्शन जो है वो काफी अच्छी होने की संभावना है और उसी वजह से हमें चांसेस लग रहे हैं कि दिवाली के बाद टर्मरिक प्राइसेस में एक सेलिंग जरूर विटनेस होगी हायर लेवल से। लेकिन जीरा की बात करें तो जीरा में बैड वेदर की वजह से सीरिया और टर्की में जो लिमिटेड स्टॉक था उस वजह से लग रहा है कि वहां से डिमांड जो है एक्सपोर्ट डिमांड एक देखने को मिल सकती है और प्राइसेस जो है वो रिकवर कर सकते हैं, तो जीरा में फर्दर बाइंग की ही सलाह रहेगी। लेकिन वही टर्मरिक की बात करें तो हायर लेवल से सेलिंग जरूर देखने को मिलेगी। धनिया में फर्दर कंसोलिडेशन फेज में ही ये रह सकती है कमोडिटी, 8000 से 8200-8300 के लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड में 8000 के ऊपर जब तक सस्टेन करती है चांसेस यही है कि रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखने को मिलेगी जी। ये सर रविंद्र जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में आज सुबह के मुकाबले आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग और ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, और अगर एक्सटेंड होती भी है तो क्या वो अच्छे लेवल्स रहेंगे ऊपरी स्तरों के लिए खरीदारी करके चलने के लिए? देखिए, इसमें प्रकाश है कि लोअर प्रोडक्शन हो सकती है और ग्वार में फर्दर प्राइसेस को अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये तो क्रूड प्राइसेस में हमने रिसेंट जो सेलिंग विटनेस करी है वही इस टाइम पे ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी हम सेलिंग विटनेस कर रहे हैं। एक डिप के बाद अगेन इसमें बाइंग विटनेस हो सकती है। ग्वार सीड की बात करें तो
शॉर्ट टर्म सपोर्ट इसका होल्ड कर रहा है 67 के अराउंड। वहीं अगर गम की बात करें तो गम में भी एक छोटा डिप देखने को जरूर मिल सकता है। सपोर्ट इसका 12400 के आसपास होल्ड कर रहे हैं, वहां से अगेन बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इस कमोडिटी में, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग एक छोटी करेक्शन इसमें देखने को मिलेगी। जी जी ये सर विदेश नजर डालें अगर सोयाबीन की कीमतों की ओर, तो देख रहे हैं कि एनसीडीएक्स पर सोयाबीन का नवंबर वायदा 5490 पर कारोबार कर रहा है और 5570 का हाई लगा चुका है। रविंद्र जी, सोयाबीन की कीमतों को हमने काफ़ी समय से एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सोयाबीन की कीमतों में अचानक उछाल देखने को मिला है, तो क्या कीमतों में अभी कुछ तेजी बन पाएगी या फिर यहीं पर सिमट जाएगी? इसमें एक तो डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रही है सोयाबीन में, और दूसरा अराइवल्स जो है वो थोड़े कम है कंपैरेटिव जितना एक्सपेक्टेशन थी, उसी वजह से हमने देखा कि प्राइसेस में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी इसमें फंडामेंटल्स जो है वो इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है कि प्राइसेस जो है ये 6000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करें। यहाँ से रेंज बाउंड ट्रेडिंग ज्यादा देखने को मिलेगी विद पॉजिटिव बायस, डिप पे बाय करके चलना बेहतर रहेगा इस कमोडिटी। जी जी ये सर रविंद्र जी, बात करें अगर एमसीएक्स कॉटन की, तो एमसीएक्स कॉटन पर आपकी क्या रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो पिछले सत्र का जो प्रोडक्शन का जो अनुमान है वो कम हो गया है पहले से भी ज्यादा, और अब आने वाले सीजन का जो अनुमान है वो ज्यादा लगाया जा रहा है क्रॉप का, कॉटन क्रॉप का, अच्छे मानसून के चलते। तो दोनों के प्रोडक्शन के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आपकी क्या राय है, कॉटन में आगे तेजी रहेगी या मंदी? देखिए कॉटन में दिसंबर के अराउंड में करेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पे इसका राइवल सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी चांसेस यही है कि दिसंबर तक फर्दर इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ रहेगी मार्केट में, और उसके बाद में चांसेस है कि वहां से अगर राइवल्स जो है वो थोड़े हायर साइड देखने को मिलते हैं तो इसमें करेक्शन रहेगी। लेकिन अगर राइवल्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं तो चांसेस है कि फर्दर इसमें अपसाइड ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस कॉटन की बात करें तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि चाइना से उन्होंने कॉटन जो इंपोर्ट है वो बंद करा है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, और वही हमारे एमसीएक्स कॉटन पे भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अभी इमीडिएट बेसिस पे कॉटन प्राइसेस 34,000 की तरफ मूव कर सकते हैं, सपोर्ट रहेगा इसका 32,300 के आसपास। जी रविंद्र जी, आपकी तरफ से वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अच्छी मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए यहाँ से हम अगर बात करें तो सीपीओ में शॉर्ट यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है, सीपीओ को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 11-32 के आसपास का रेजिस्टेंस है इस कमोडिटी में, 1100 के आसपास टारगेट कर सकते हैं। वहीं दूसरा तो कोकुड़ में बाइक करके अगेन चल सकते हैं, कोकुड़ में 2750 के टारगेट रहेंगे और स्टॉप लॉस वहीं 2580 के रहेंगे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, किस कृषि फसल के अंदर खरीदारी बिकवाली करके चलना सही रहेगा, और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो फिलहाल बाजारों की चाल में अभी बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।